हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं ऑल न्यू महिंद्रा स्कॉर्पियो क्लासिक। इसका आज हम माइलेज टेस्ट करेंगे, तो बने रहे वीडियो में। दिखाते हैं आपको गाड़ी का टैंक कितने का फुल होता है, और फिर दोबारा टैंक फुल करके आपको उसका रियल माइलेज टेस्ट करके दिखाएंगे। तो दोस्तों, हमारी गाड़ी के अंदर 55 लीटर तेल आपने देख लिया होगा स्क्रीन के ऊपर। आइए हम अपनी ट्रिप वगैरह सबको जीरो कर देते हैं। तो दोस्तों, हमने अपना टैंक फुल करा लिया है, ये देख लीजिए। हमने अपनी ट्रिप को भी जीरो कर दिया है, और आइए अब हम अपना स्टार्ट करते हैं। ये रहा हमारा जीरो का मीटर। गाड़ी के किलोमीटर की रेंज देख लीजिए कितनी आ रही है, वो 778 की किलोमीटर की रेंज आ रही है। अब देखते हैं कितने का एवरेज हमारी गाड़ी देगी। सारी चीज़ें आपको दिखाएंगे, बने रही वीडियो में। तो दोस्तों, हम अपना हाईवे पे चढ़ने वाले हैं। हमने गाड़ी अपनी 9 किलोमीटर चला ली है, तो और गाड़ी का जो आप एवरेज देख रहे हैं जो स्क्रीन पे आ रहा है, वो 14.3 का एवरेज आ रहा है गाड़ी के अंदर, जो अभी MIT पे शो कर रहा है। यहाँ पे गाड़ी तो बढ़िया स्मूथ चलने लग रही है, ये देख लीजिए आप। यहाँ पे 9.2 किलोमीटर हमारी गाड़ी चल गई है। हम अभी से 100-150 किलोमीटर चलाएंगे पूरा, थोड़ा सा काम है वहाँ तक जा रहे हैं। हाईवे चलेगी मोस्टली गाड़ी, तो देखते हैं हमारा कितना है एवरेज बन निकल के आता है। तो दोस्तों, देख रहे हैं जैसे हमने अपनी गाड़ी 33 किलोमीटर चला ली है, अब आगे चलते हैं। और जो हमारी गाड़ी एवरेज शो कर रही है वो 15.2 का एवरेज शो कर रही है। देखते हैं पूरा चला के कितने का एवरेज आता है। जितना MID पे आ रहा है, अगर इतने का ही दे दो तो मज़ा ही आ जाएगा। तो आपको बताता हूँ, आगे बने रहिए मेरी वीडियो में। तो दोस्तों, देख लीजिए हमने अपनी गाड़ी 60 किलोमीटर चला दी है, एक्सप्रेस वे पे चल रहे हैं अपना 90-100-110 तक की स्पीड पे। इस हाईवे की स्पीड जो है वो 120 है, और जो हमारी गाड़ी एवरेज दे रही है वो 15.7 का दे रही है। और रेंज देख लीजिए फिर से बढ़ गई है, महिंद्रा की गाड़ी में से हर बार बढ़ जाती है, 808 की रेंज आ रही है। तो देखते हैं आगे कितनी और रेंज बढ़ती है घटती है। चल रहे हैं अपना आराम आराम से। तो दोस्तों, ये हमारा KMP हाईवे जिसमें अपनी गाड़ी को चला रहे हैं आज, जिस पर ड्राइव पर निकले हैं। 93 किलोमीटर हमने गाड़ी को चला लिया है। और दोस्तों, जो हमारा हाईवे बहुत ही गंदा बना हुआ है, हाईवे का एक्सप्रेस वे है ये, जो सोनीपत से लेके मानेसर तक जा रहा है। और इसमें से बीचों की सही सड़क चल रही है, आगे आगे बम वगैरह बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। देखना अभी आप आगे, अभी चल रहे हैं फिर से। गाड़ी कूदती इतना बार बार ऐसे कूद रही है, बल्कि आप आगे हमारा ये NH9 का जो हाईवे है, और ये यमुना एक्सप्रेस वे वगैरह हो गए, इन सब पे इतना कुछ भी नहीं है। आगरा से लखनऊ तक भी मैं जा चुका हूँ, इनमें से किसी पे भी नहीं है। 12 ब्रेक भी लग रहे हैं, ये देख लीजिए ऐसे गड्ढे वगैरह हैं बिल्कुल। गाड़ी एकदम मंदी करनी पड़ रही है। ये तो रात को तो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है, जिसको आइडिया ना कहीं बाहर से आ रहा हो तो एकदम ही एमरजेंसी ब्रेकिंग लेनी पड़ेगी, जो कि गलत बात है, इन्हें सही करना चाहिए। देख लीजिए हम चल रहे हैं अपना, बार बार ऐसे ही गड्ढे वगैरह सब चीज़ आ रही है, ब्रेक लेने पड़ रहे हैं, फिर से उठाना पड़ रहा है। ये देख, मज़ा ही नहीं आ रहा बिल्कुल भी हाईवे पे अपना चलाने का। गाड़ी वजह से चलाते हैं आराम से, क्रूज ही नहीं कर पा रहा, बार बार ब्रेक लगाने पड़ रहे हैं। देखते हैं अपना आगे और कितना है, ऐसे ही है। तो दोस्तों, हम अपनी गाड़ी को 106 किलोमीटर चला चुके हैं। हम अपना पलवल शहर में आ चुके हैं गाड़ी को लेके, और देख लीजिए मीटर पे हमारी गाड़ी 14.6 का एवरेज दे रही है, जो
रेंज आ रही है वो 769 की रेंज आ रही है, तो मज़ा तो आ रहा है, ऐसी बात नहीं है। देख रहे हैं, उम्मीद है गाड़ी अच्छा है देगी हमारी। बाहर का तो निकालना ही चाहिए कम से कम इसे, जैसा महिंद्रा क्लेम भी करती है और बहुत लोग मैंने वीडियो भी देखी थी, वे तो 15 तक का बता रहे थे कि दे देती है। अब देखते हैं कितना देगी इस बार हमें गाड़ी एवरेज। तो दोस्तों हम अपना निकल चुके हैं पलवल से, अपना काम वाम ख़त्म करके रात हो चुकी है और जो हमारी गाड़ी चली है वो 113 किलोमीटर चल चुकी है। अपना चल रहे फिर से अपना KMP पर चढ़ने के लिए जा रहे हैं आगे, तो बढ़िया हाईवे टू हाईवे का ही रन हुआ है हमारा आज, कोई ज़्यादा शहर वहर में गाड़ी नहीं चली, तो देख लीजिए बढ़िया चल रही है। तो दोस्तों हम अपना घर के पास आ गए हैं, हमारी गाड़ी जो चली है वो 215 किलोमीटर चली, 216 मान लो, इतने तो हो जाएंगे, 216 किलोमीटर चली है देख लीजिए। और हम अपना पेट्रोल पंप देखते हैं गाड़ी का टैंक फुल करा के कितने का तेल आता है इसके अंदर। हम आ गए हैं मेरे पेट्रोल पंप पे, तो देखते हैं कितने का डीजल आएगा और इसको और पे क्लासिक हमारी कितना एवरेज देती है। हमारी गाड़ी का टैंक फुल हो चुका है, इसके अंदर 16.7 लीटर डीजल आया है। तो दोस्तों गाड़ी चली थी हमारी 216 किलोमीटर और जो हमारा एवरेज निकल गया है वो 12.9 का निकल गया है, जो कि काफ़ी सही था हमारी ड्राइविंग के हिसाब से और हाईवे के हिसाब से। ये थी हमारी स्कॉर्पियो क्लासिक। तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम पर भी हमको फॉलो करें, गाड़ी खोजो के नाम से ही पेज है। ये थी हमारी महिंद्रा स्कॉर्पियो की वीडियो, जल्दी मिलेंगे नई वीडियो नए कंटेंट के साथ।